मैजिक था जगह पे यार, मैं क्या बताऊँ आप लोग को। अगर आप उमाशंकर महादेव जी का मंदिर तो ऐसे जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट प्रसाद है पेड़े तो हम लोग हेलो हाय शमनी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, ये है स्टेशन यहाँ का। अब यहाँ से आगे का रास्ता आप लोग को दिखाते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें बता देती हूँ कि लास्ट व्लॉग में मैंने डाला था कि हम मुंबई से पुणे आए एक दिन पहले, और हम रात को कहाँ रहे, कहाँ भटके और कैसा हमारी सफ़र रहा, वो मैंने सब पहले व्लॉग में डाला है। और आज हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, क्योंकि ताकि हमें भीड़ का ज़्यादा सामना ना करना पड़े और हमारा जल्दी से दर्शन हो जाए। चलिए करते हैं आज के दर्शन और देखते हैं कैसा होता है हमारा आज का व्लॉग। तो ये है रास्ता, ये जहाँ से हम आए। ये रास्ता है, तो ऐसा है कुछ रास्ता, देखिए पीछे डाउन में सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बोल दे, पर सीढ़ियाँ हमें दिखी नहीं, सीढ़ियों का काम बगल में चल रहा है। ओके पंचागिनी सुनो, गाड़ी हाली का कौन लगा गाड़ी, कुछ ऐसा है रास्ता। अक्सर मंदिरों में हमने जाते हुए चढ़ाई देखी है, बट ये ऐसा मंदिर है जहाँ जाते हुए चढ़ाई नहीं उतराई है और आते हुए चढ़ाई होगी। तो ये दिख रहा है हमें सुंदर सा भीमा नगर जहाँ पे ये मंदिर स्थापित है। तो हमें भीमा क्षेत्र दिख गया है, ये देखिए तो दोस्तों ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा हम पैदल नीचे आए और हम मंदिर वाले एरिया में एंट्री कर रहे हैं। तो ऐसा है कुछ रास्ता, ये देखिए, और पीछे का रास्ता तो आप लोग देख ही सकते हो। अब देखते हैं वहाँ पे आज कितनी भीड़ होगी, है कि नहीं है भीड़। चलिए देखते हैं आज कितनी लंबी लाइन है दर्शन के लिए। ये है सीढ़ी वाला रास्ता, तो इस मंदिर में भी जहाँ पेड़े पेड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ की स्पेशल प्रसाद है पेड़े, तो हम लोग भी लेते हैं पेड़े पहले, ठीक है, और चढ़ाएंगे हम अपने भगवान जी को। ये 150 का, ये 100 का, और कौन कौन से तो ये हमने ले लिया है 100 रुपए का पेड़े, उसे पूछ करने वाला। तो हमने प्रसाद भी ले लिया, पेड़े भी ले लिया, अब जाते हैं हम दर्शन करने के लिए, ठीक है। कठिन तपस्या है स्वामी की, पैर नीचे ना जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव के दर्शन करने की जो खुशी होती है ना, जो सुकून मिलता है ना, बस ऐसा लगता है इस बार तो महादेव हम पे मेहरबान है, जो हमें अपने दर्शन का मौके पे मौके मिले जा रहा है। वरना तो सोचते रह जाते हैं कि केदारनाथ जाना था, यहाँ जाना था, बस वो सोचना ही होता है हमेशा, बस इस बार साक्षात दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को भी मैं आज भोलेनाथ के दर्शन करवाती हूँ। महादेव के 6वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और यहाँ पे भी लाइव दर्शन चल रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं और यहाँ की भीड़ भी दिखाते हैं। यहाँ पे आज सुबह का टाइम है, इसलिए लाइन बहुत कम है और एकदम से हमारा नंबर आ जाएगा। देखिए कितनी लाइन आपको दिखाती हूँ, कितनी लंबी है। हाँ, हाँ
दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और ये हाथ ना, इस हाथ से मैंने शिवलिंग को छुआ था और सच में ऐसा लग रहा था कि बहुत मैजिक था इस जगह पर यार। मैं क्या बताऊँ आप लोग को, अगर आप लोगों का भी लाइफ में मौका मिले ना एक बार जरूर दर्शन करना आप लोग भी भीमाशंकर महादेव जी की। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि इस मंदिर में उन्होंने हमें अपने हाथों से फूल चढ़ाने दिया, पानी चढ़ाने दिया, प्रसाद रखने दिया और उन्होंने साक्षात दर्शन करे हमने सामने से। और मतलब और जगह पर थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं था। बस भीमाशंकर महादेव हम सबकी अपनी कृपा बनाए रखे और हम सब पे अपनी और हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलो जय भीमाशंकर महादेव की जय। बोलो भीमाशंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। दस आवाज गुजरी है यहाँ पे भीमाशंकर महादेव जी। शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो कि एक राक्षस था। उस राक्षस ने युद्ध के दौरान देवी देवताओं को हराना शुरू कर दिया, पूजा पाठ बंद करा दो। सभी देवगण बहुत परेशान थे, परेशानी का हल करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। तो शिव जी ने उस समस्या का हल निकाला। शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया और इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। इस राक्षस के अंत में सभी देवी देवताओं ने शिव जी से आग्रह किया कि शिवलिंग के रूप में वो इसी स्थान पर विराजित रहे। तो भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम पे यहाँ विराजित हुए। बोलो हर हर भीमाशंकर महादेव। तो बस हम लोगों ने कर लिया दर्शन। हर हर शंभू, हर हर शंभू बोल दे। ऐसे इस जगह से जाने का मन तो नहीं कर रहा, बट छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बैठ के मन को शांति दे के और थोड़ा बहुत मंदिर से फोटो खींचा के अब हम लेते हैं इस जगह से विदा एंड आगे और सब मंदिर दिखाते हैं, ठीक है। मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए मंदिर के बाहर काम चल रहा है, इसलिए मंदिर पूरा ढंग से नहीं दिख पाएगा। बस आपको ऊपर से मंदिर के मेन उसके आपको दर्शन करा देंगे, ठीक है। इससे किसी को परवाह नहीं पड़ा। हर हर शंभू। दे दो उसको 20 दे दो। महादेव। अभी यहाँ पे देखिए मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे मंदिर में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, पीछे देखिए। तो टाइम बाद यहाँ पे और सुंदर मंदिर बन जाएगा। तो बस अब हम चलते हैं आगे की ओर, अपने रूम की तरफ चलते हैं और रास्ते में आप लोगों को और सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाएंगे, ठीक है। बाय बाय। तो कितना प्याला है ये। यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं सुमन बेन लोग, तो ले जाने के लिए प्रसाद ले लिया है। अब हम यहाँ पे खाते हैं कॉर्न और देखते कैसा है यहाँ पे टेस्ट, ओके। तो ये सीढ़ियाँ शुरू हो गई है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। तो अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो आप लोग अर्ली मॉर्निंग आइएगा, ठीक है दोस्तों। आइए मेरे पीछे पलटन, ये देखिए आ रही है। और थोड़ी सी चढ़ाई है चढ़ते वापसी के टाइम पे, हल्की सी। जाते समय तो डाउन है पता नहीं चला, आते समय हल्की सी सीढ़ी भी है चढ़ाई भी है। गाड़ियाँ आती है नीचे तक, पर थोड़ा स्लिपरी वाला एरिया है इसलिए रिस्क है। और यहाँ से जो रास्ता कटता है ये है भीमा नदी के लिए। तो लेफ्ट साइड रास्ता वो है भीमा नदी के लिए, जहाँ पर भीमा नदी का उद्गम स्थान है। तो वो रूट ये है जो जाता है। तो ये सीढ़ियाँ बन रही है, देखिए यहाँ पे जाम लगना शुरू हो गया है। ये मेरे पीछे पलटन, ये देखिए आ रही है।
और थोड़ी सी चढ़ाई है चढ़ते वापसी के टाइम पे, हल्की सी जाते समय तो डाउन है पता नहीं चला, आते समय हल्की सी सीढ़ी भी है चढ़ाई भी है। गाड़ियाँ आती है नीचे तक, पर थोड़ा स्लिपरी वाला एरिया है इसलिए रिस्क है। तो ये सीढ़ियाँ बन रही है, तो यहाँ पे दुकानें अभी लगनी शुरू हो रही है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है नौ और हम सुबह जल्दी आ गए थे। ये हमारी यहाँ पे कौन बैठी है, सासू तो बना के दिखाते। तो आए तो हम सब खाली हाथ थे लेकिन अब हम सब भरे हाथ जा रहे हैं। ये हमारी देखिए हम अंगूठी और ये हमारे गले के माला, तो बहुत अच्छी लग रही है। तो भोले बाबा का आशीर्वाद समझ के हमने ये ले लिया और अब हम जाते हैं घर। और हमने नहीं, सबने लिया, सुमन के हाथ में भी है, सासू माँ के हाथ में भी है, आज हम सबके हाथों में सोने की अंगूठी है। उस समय कोहरा था इसलिए दिख नहीं रहा था, ये मार्केट अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चाय पानी पीते हुए अनक यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे थे और यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पे जाम लगना शुरू हो गया है। की नगरी में जमा जम बारिश हो गई है। ये देखिए सब भीगते भीगते जा रहे हैं। और दर्शन सच में इतने अच्छे हुए कि मन बहुत ही खुश हो गया था हमारा आज। दोस्तों तो हम लोग रूम पे आ चुके हैं, अब हम चेंज करते हैं फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन में, ठीक है। और बहुत मजा आ गया बारिश में भीग के। तो ये सैमी ने पूरा रूम चेक कर लिया है, कुछ नहीं है हमारा।